वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो किस किस कोर्सेज में एप्लीकेबल होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग कुछ भी होती है लेकिन कोर्सेज बहुत सारे होते हैं जिसको हम इसमें कवर करते हैं। जैसे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, CA इंटर का ग्रुप होता है हमारा, उसमें एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपको ये टॉपिक करना होता है। आपने MCOM करा तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA करा उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBS किया उसमें किया, जितने भी आप मैनेजमेंट कोर्सेज करोगे सब में आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस। उन सब कोर्सेज में आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा जिसका नाम होता है EBIT EPS एनालिसिस। हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे हर लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ छोटे छोटे टॉपिक्स में बड़ी बड़ी बातें करें। वो DDIG का डायलॉग था ना, छोटे छोटे शहर में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है संदूरी, है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे। तो वो छोटी बातें, छोटे टॉपिक क्या है, जैसे लेवरेज एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो हम बाद में भी करेंगे। उसके अलावा आज का टॉपिक हमारा है EBIT एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की जिसमें हम कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहे BCOM कर रहे हो, चाहे MCOM कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, BBA, MBA और CA का इसलिए बार बार एम्फसाइज करता हूँ बिकॉज उनके एग्जाम्स आने ही वाले हैं, तो उनको तो ज़्यादा इमीडिएटली दिमाग में रखने की चीज़ें ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं EBIT EPS एनालिसिस। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, अपना अपना सब ध्यान रखिएगा और मेरे लिए दुआएं करते रहना, ठीक है। हम शुरू करते हैं EBIT, उसमें से माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट, हम कहते हैं EBT, इसमें से माइनस करते हैं हम टैक्स, तो हमें क्या मिलता है, समथिंग टू ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर मैं इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड डालूं या कुछ डालूं तो ठीक है, माइनस करना तो इतना लंबा खींचना तो ठीक है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर एप्लीकेबल है तो आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो जो भी ये आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वी विल गेट EPS। सर ये कहानी तो आपने पहले भी बता रखी है, ये कहानी तो आपने हर जगह बता रखी है कि EBIT से EPS कैसे निकालते हैं, अप्रोच क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई। ठीक है, तो कहना ये चाहते हैं हम कर रहे हैं EBIT EPS एनालिसिस चेक करना होता है। इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट कवर करने होते हैं, इसमें हम कवर करते हैं दो कॉन्सेप्ट जिसका टॉपिक, पहला टॉपिक का नाम होता है, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। और दूसरे का नाम होता है इनडिफरेंस लेवल और इनडिफरेंस पॉइंट। कहीं स्पेलिंग गलत हो तो बता देना, माफ कर देना यार। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी CA इंटर ग्रुप 2 के लिए चालू कर चुका है मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज। एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, EIS, SM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब के ऊपर मेगा फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है रिवीजन के लिए। 40 मिनट के क्वेश्चन होंगे, 20 MCQs कवरिंग फुल सिलेबस। यू कैन अटेम्प्ट इट। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है इनका, आपको उनको क्लिक करना है, मेरा कोड डालना है NITIN10 टू अनलॉक दीज टेस्ट। ना सिर्फ इतना, अगर आप इन टेस्ट के अंदर करते हैं स्कोर अच्छा, यू बिकम टॉप रैंकर्स, देन यू हैव फुल चांसेस टू गेट द रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ JBL स्पीकर्स, नॉइस पार्ट वॉच एंड हेडफोन्स। तो आपने करना क्या है, फिर से आप सबसे पहले करना है इनकी ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की, उसके बाद अपने डिटेल भरने के बाद आपने लिखना है स्टार्ट द टेस्ट, और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है उस टेस्ट को आप दे सकते हो, और एक बार नहीं बार बार दे सकते हो, जितनी मर्जी बार दे सकते हो। तो अभी के अभी आपको क्या करना है, जाइए लिंक पे क्लिक करो, मेरा कोड डालो और स्टार्ट द टेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, और दोस्तों को भी ये शेयर करो जो आपके संग एस्पायर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए जो मई में होने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। कई बच्चे मेरी टांग खींचते हैं नीचे कमेंट में लिख के, सर स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग की भी स्पेलिंग गलत कर दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, जो बोल रहा हूँ वो तो सुन लो यार, है ना। बस इसलिए स्पेलिंग की भी स्पेलिंग गलत लिख दी आपने। तो अब बात करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की। देखो ब्रेक इवन होता क्या है, अब आपने मेरे टॉपिक कहीं पढ़ा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
मैंने जैसे बताया ना, मेरे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे देखेंगे प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे तो सारी प्लेलिस्ट देखेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और वो भी ये नहीं कि छोटा मोटा टॉपिक करा रखा है, सारा सिलेबस जितना मुझे आता है सब करा रखा है विदाउट, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनी कोचिंग कि आपको तो कोचिंग पढ़नी जाके। एनीवेज, फाइनेंशियल ब्रेक इवन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ये ब्रेक इवन क्या होता है सर? ब्रेक इवन ये होता है आपने जितने खर्चे किए, मतलब आपकी जो भी कॉस्टिंग थी और जो भी आपका रेवेन्यू में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके जो पैसा बचा, फिक्स कॉस्ट तक पूरा, मतलब टोटल कॉस्ट, ये नहीं कह रहा कि मैं वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ पे आपने पढ़ा था, जो पढ़ा था वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गेट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट वी गेट प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है अगर ये इक्वल है फिक्स कॉस्ट के, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद ही आता है, तो हमने कहा जो फिक्स कॉस्ट को अगर आपने कवर कर दिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये लॉजिकल आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे इसके अंदर, तो नो नीड टू गेट पैनिक के सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ। बहुत जल्दी पढ़ना हो तो 1.5 की स्पीड पर पढ़ने की कोशिश करो, उसमें क्या फीलिंग नहीं आती पढ़ने की। ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? जब हमारा प्रॉफिट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब जो हमारा EBIT एनालिसिस चलता है, इसमें एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स होती है, जो कि वेरिएबल नहीं है, विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी प्रॉफिट लेवल अप और डाउन, इट इज फिक्स्ड। फिक्स के अंदर कौन सी कॉस्ट है वो? उस फिक्स कॉस्ट का नाम होता है इंटरेस्ट। आज आपने किसी से लोन ले लिया, आज आपने डिबेंचर इशू कर दिया, आपने बॉन्ड्स इशू कर दिया, आपने किसी भी तरह की कैपिटल स्ट्रक्चर में अपने कैपिटल को रेज कर लिया, उस कैपिटल में जो इंटरेस्ट है जो आपने बोरोड फंड्स के ऊपर, बोरोड नॉट ओनर्स फंड, आपको देखो तो ओनर्स फंड एक होता है बोरोड फंड, इक्विटी या फिर डेट जिसको बोलते हैं डेट, डेट के ऊपर जो आप इंटरेस्ट दोगे वो रिमेन्स फिक्स, आप चाहे कुछ भी कर लो आपको वो इंटरेस्ट पे करना ही करना है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इस इंटरेस्ट की, तो जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन की बात मैं कर रहा हूं, अगर मेरा EBIT सिर्फ इंटरेस्ट के बराबर है तो ये क्या आ जाएगा? EBIT विल बिकम जीरो। सपोज ये 100 है, ये भी 100 है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन में रूल क्या चलना है, अब इसके अंदर रूल समझते हैं। कभी कभी हमारे CA स्टूडेंट्स के लिए तो MCQs में बड़े गंदे गंदे तरीके से आते हैं ये, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल EBIT विल बी इक्वल टू व्हाट, वो हम कंफ्यूज, कई बच्चे होते हैं ना आधी पढ़ाई करके गए हैं, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ाई करके गए हैं, सब कुछ तो पढ़ लिया बेसिक नहीं पढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये बीच बीच में थोड़े साउंड आते रहेंगे, नो नीड टू वरी। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल इज द लेवल एट विच EBIT ऑफ द फर्म इज इक्वल टू इंटरेस्ट। मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करता हूं, ऐसे लिखता हूं फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज और इंटरेस्ट ऑन डेट। मैं इसको बोरोड फंड भी कह सकता हूं, कई बुक्स के अंदर आप डी देखोगे E+D, कई बुक में आप S+B लिखोगे, देखोगे बी मतलब बोरोड फंड्स, तो नो नीड टू गेट, वो बुक लिखने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है, समझाना तो हमने वही है ना, कोई ऐसे नाक पकड़ रहा है, कोई ऐसे घुमा के नाक पकड़ रहा है, बात तो वही रहेगी सर। तो अगर सिर्फ हमारी कंपनी के पास डेट है, सिर्फ डेट है और प्रेफरेंस नहीं है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि EBIT शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज, मतलब इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए, तो हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन है। अगर इसके ऊपर, सो मीन्स इफ EBIT इज मोर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल, तो इसको मैं कंडीशन अभी क्या चला रहे हैं हम, इफ नोट इफ ओनली डेट, रादर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं फ्रेज को, इफ नो प्रेफरेंस शेयर्स, इफ नो प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है सिर्फ डेट है, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर आ गए तो उनको डिविडेंड भी देना पड़ेगा फिक्स करके, टैक्स के बाद वो भी फिक्स हो जाते हैं, देना पड़ता है। तो अभी हम मानते हैं कि अगर नहीं है, तो अगर EBIT इज मोर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल, इसका मतलब EPS इज
विल बी देयर, ये तो रूल है। तो कहते ईपीएस का मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, अल्टीमेट टारगेट तो ये ना शेयर होल्डर्स को फायदा जाएगा नहीं जाएगा। तो जितना ज्यादा फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ऊपर आप जा रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाओगे अपने ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को। तो आज फॉर्मूला समझना है सिर्फ, ठीक है। तो ईबीआईटी शुड बी इक्वल टू फिक्स फाइनेंशियल चार्ज इन केस देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स। तो इफ ईबीआईटी इज मोर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल, इट इज गुड फॉर द कंपनी, क्योंकि फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल, दोबारा से बोलता हूं, इज द लेवल एट विच ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, आई एम सेइंग ओनली इंटरेस्ट, आई एम नॉट सेइंग इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एनी डेट, एनी लॉन्ग टर्म डेट। पहला पार्ट क्लियर, हटा दूं इसको। दूसरा, हमने कहा सर नहीं एक बात तो बताओ, ये तो हो गया विदाउट प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो ये कंसेप्चुअली समझने का टॉपिक है। इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो तो वैसे ही कर लोगे आप, इसमें ज्यादा नहीं आता, जो सेकंड पार्ट होता है उसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, छोटा पहला पार्ट समझते हैं। तो हमने कहा सर ईबीआईटी से इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा और ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, ये आफ्टर टैक्स आता है तो ये भी कवर होना चाहिए। तो अगर ये कवर होने के बाद ईएफई जीरो आ गया, इसका मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पे है, मतलब अल्टीमेट टारगेट क्या है, या तो ये ईबीटी जीरो हो जाए या ये ईएफई जीरो हो जाए, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एट दिस लेवल विद प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल विल बी अचीव्ड व्हेन, मतलब यह भी ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल विल बी अचीव्ड व्हेन ईबीआईटी इज इक्वल टू फिक्स फाइनेंशियल चार्ज और इंटरेस्ट ऑन डेट, व्हेन ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, तो कवर करना ही करना है सर, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उसके अलावा प्लस जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड मतलब याद है आपको मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कराया था आपको, उसमें केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से लिखा था, वो कब आएगा, वन माइनस टी। ये क्या है सर, क्यों वन माइनस टी लिख रहे हो सर, टैक्स माइनस करने के बाद जो बचेगा उसी में से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा ना। तो अगर आपके पास 100 बचा, 100 में से 40% टैक्स चला गया तो 60% तो बचा ना, तो वो 60% ही डिविडेंड होगा ना अल्टीमेटली, तो प्रेफरेंस डिविडेंड उसी में से निकलेगा। तो ये तब होगा जब हमारे पास डेट भी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ डेट है पहले केस में, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इनके क्वेश्चन वैसे सिंपल से एकदम नहीं आते, इनके क्वेश्चन थोड़ा मिक्स करके आते हैं, मगर यू शुड नो हाउ टू कंप्यूट दिस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ओनली आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आपके पास कहानी में जितना मर्जी सेल्स गिवन हो, सब कुछ गिवन है, आपने सिर्फ इतना कहना है कि सर जितना भी फाइनेंशियल, अब बताइए इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप भी ना हंसोगे सर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिली, हाँ सिली क्वेश्चन ही आते हैं कभी कभी। एक प्रोजेक्ट दे रखा आपको, उसकी सेल्स गिवन है, कॉस्टिंग गिवन है, सब कुछ माइनस करने के बाद आपको बोला ईबीआईटी इतना आ गया, उस कंपनी का ईपीएस तक निकाल रखा है कंपनी ने। अब आपसे पूछता हूँ, चलो ईबीआईटी इज इक्वल टू 1000, लेट्स से करोड़ वॉट एवर, माइनस इंटरेस्ट इज 200, तो ईबीटी कितना हो गया 800, माइनस किया टैक्स, हमने कहा जी 40% है तो हमने कहा 320, 480 बच गया ईएटी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो भी था वो आके हमारा ईपीएस आ गया, सपोज 2 रुपये आ गया, वॉट एवर। अब कोई इस क्वेश्चन को देख के या इस वाली सिनेरियो को देख के आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, टेल अस द फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल, आपको पता है आधी जनता ना ऐसे शक्ल देखती है, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे से। सिंपल सा आंसर है सर, एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ईबीआईटी इज इक्वल टू
फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, फिक्स फाइनेंशियल चार्ज क्या है 200, तो इस केस में फाइनेंशियल आपका ब्रेक इवन लेवल क्या है, ब्रेक इवन लेवल इज इक्वल टू 200, आंसर खत्म। कहानियां बड़ी सिंपल होती हैं, बताया ना छोटी छोटी वीडियोस में बड़ी बड़ी बातें, कहानी बिल्कुल सिंपल है। तो अब आपके पास होता क्या है, आपके पास दो प्रोजेक्ट गिवन होते हैं, आपको याद है हमने डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग चैप्टर से पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, कंटिंजेंट प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट हमें गिवन है डिफरेंट कॉस्ट सॉरी डिफरेंट कॉस्ट डिफरेंट पैरामीटर्स। आपके दो तीन प्रोजेक्ट गिवन है, दो तीन फाइनेंसिंग ऑप्शंस गिवन है, आपको कोई एक चूज करनी है। तो आप ये देखोगे कि हमारा उसमें से ब्रेक इवन कितनी जल्दी अचीव होता है। भाई सिंपल सी बात है, एक दोस्त को पैसे दिए आपने, दूसरे दोस्त को पैसे दिए, एक को 500 दिए, दूसरे को भी 500 दिए, तो आपने ये देखा कि कौन सा दोस्त कितनी जल्दी हमें पैसे वापस दे सकता है। तो उसने कहा, आपने पढ़ा उसमें पे बैक पीरियड, लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं सर कितनी जल्दी मेरी पैसा वसूल हो जाएगा, मेरा ब्रेक इवन कब आ जाएगा, सर जब ब्रेक इवन आ जाएगा जैसे आपका इंटरेस्ट कवर हो जाएगा। तो इस केस में इंटरेस्ट कब कवर हो जाएगा 200 पे, तो मतलब आपको 1000 कमाने की टेंशन नहीं है, 1000 कमाओगे तो आपको 800 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले टारगेट क्या है आपका, सबसे पहले तो मेरे कॉस्टिंग, मेरे खर्चे निकल जाएं, खाना तो माँ बाप भी खिला देंगे है ना मेरे खर्चे निकल जाएं, वो खर्चे कितने 200, तो 200 मेरे EBIT का टारगेट हो गया। अब इसका लॉजिक क्या हुआ, तो मेरा जो इमीडिएट टारगेट है, टारगेट क्या है मेरा इमीडिएट 200 अर्न करना अपने प्रोजेक्ट से, उसके बाद जो आएगा डेफिनेटली मुझे EPS मिलता चला जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द इमीडिएट टारगेट ऑफ EBIT। फिर से एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल हेल्प्स अस टू अचीव इमीडिएट, नॉट अचीव रादर, टू प्लान इमीडिएट EBIT लेवल। बड़ी बड़ी कंपनियां इतने सारे टारगेट कैसे निकालती होंगी ना, मैं कभी कभी एक सोचता हूँ ऐसे, मैंने कभी काम किया हुआ इंश्योरेंस कंपनीज में, सेल्स का जॉब था, कई बच्चे बोलते हैं अपनी जर्नी बताओ 20 साल के, आपने क्या से 20 साल के हो गए आप कैसे, मतलब 20 साल मतलब पढ़ा लिया आपने इतना। तो बीच में मैंने एक कंपनी में काम किया, तो वहाँ पे हम जाते थे, सेल्स की जॉब थी वो, मुझे बड़ा शौक था सेल्स का कुछ करने का। तो सेल्स की जॉब करते 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 मैं सोचता था यार हो क्या रहा है इस कंपनी की, तो इतनी सारी ब्रांचेज हैं, इतनी सारी ब्रांचेस में इतने सारे मैनेजर्स हैं, इतने सारे मैनेजर्स के ऊपर इतने सारे ब्रांच मैनेजर हैं, इतने सारे ब्रांच मैनेजर का सबको टारगेट दे दिया ब्रांच का, उस ब्रांच का टारगेट डिवाइड किया गया कितने लोगों में, उस सारे ब्रांच के सब मैनेजर्स या उसको बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स को, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के अंडर में कितने कितने मैनेजर हैं, उन सबको वो टारगेट डिवाइड कर दिया गया। अब क्या उतने टारगेट देते हैं, नहीं, अगर सबका टारगेट है 2 का तो सबको टारगेट दिया गया 6 का या 7 का, जो भी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉलिसी, इट कैन बी क्रेडिट कार्ड, इट कैन बी व्हाटएवर यू थिंक अबाउट इंडस्ट्री, तो बहुत चीज़ों की सेल्स की है। तो उसमें हमें टारगेट देने के बाद कंपनी का मकसद क्या होता होगा कि भाई जो तेरी सैलरी है समझने की कोशिश करो कि भाई जो तुम्हारे ब्रांच के लोगों की सैलरी है, सबसे पहला टारगेट वो सैलरी निकल जाए, जो तुम्हारी ब्रांच का रेंट जा रहा है वो निकल जाए, जो तुम्हारी ब्रांच का इंश्योरेंस जा रहा है वो निकल जाए, जो तुम्हारे ब्रांच के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है वो निकल जाए, उसके बाद जो भी है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने मिनिमम टारगेट क्या दिया आपको, अब उनकी तरफ से मिनिमम टारगेट है हर बंदे को कम से कम 2 प्रोडक्ट सेल करने हैं, उससे क्या होगा उनकी और कंपनी की जो ब्रांच की जो सेल के कारण जो कॉस्ट है वो निकल जाएगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा करोगे उससे हम प्रॉफिट में आना शुरू करेंगे, समझ रहे हो। इस तरह से एक्सपेंड, ये नहीं कि छोटे से दिमाग में आया, आज मैं सपना देख रहा था मैं अंबानी बन सकता हूँ, मैं भी खड़ा हो गया, चलो मैं भी अंबानी बनूंगा। ओ भैया ईयर्स लगते हैं, कई जनरेशंस लग जाती है बनने में। तो सेम हेयर, ये हैं टारगेट्स, दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन। तो जितना पैसा आप लगाते हो उस पैसे में से कितना आपको इमीडिएट कवर करना है EBIT में से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही आपका मेन टारगेट है पहले काम करते टाइम, उसके बाद जो आएगा प्रभु की सेवा, जितने मिलते रहे मेवा मेवा मेवा, है ना। तो ऑल राइट, तो आज की क्लास में ये करना था हमें EBIT EPS एनालिसिस के अंदर पहला टॉपिक फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल, जो आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि कमेंट भी लिख दिया करो, लाइक भी दे दिया करो, शेयर करते रहा करो, और प्लीज़ भाई इस चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत शिकायतें करते हैं। शिकायतें करते क्या करते हैं, सर आपका चैनल तो इतना बड़ा है, लाइक इतने कम है, आपका चैनल इतना बड़ा है, सब्सक्राइबर इतने कम है, आपके तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आगे चैनल नहीं बढ़ता। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि 4 साल होने वाले हैं और हमारे चैनल के अंदर 4.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। और आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विद यू, मैंने पोस्ट भी डाली थी कि अभी हमने रिसेंटली लास्ट वीडियो 500 वीडियो मेरे चैनल पे कंप्लीट हो गई हैं। और सीरियसली बताता हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कब में से इतनी वीडियोस बन गई। और आज हमारा शगुन का दिन है, शगुन मतलब 501, तो 501 वीडियो आज हमारी ये बन गई है। सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहो, ये चैनल का पर्पज़ है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन आप तक पहुँचाने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप गिविंग गुड कमेंट्स, ठीक है, कमेंट डालते रहा करो। और अगर आपका मन करता है कि सर कभी इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मन है आपसे मिलने का, हमें आपसे बात करने का मन है, तो बताना, ठीक है। शायद मेरी बहुत जल्दी विजिट होने वाली दिल्ली में, तो वी कैन प्लान टू मीट। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।